देखो, मोशन, मोशन क्या होता है? मोशन मतलब, मोशन का एग्जांपल लेवा जैसे कि यह एक गाड़ी है, ये एक गाड़ी है, कार, ये कार है, ये मूव कर रही है, आगे की तरफ जा रही है, तो ये मोशन में है। ठीक है, मैं अभी लिख रहा हूँ तो मेरा हाथ मोशन में है। ठीक है, तो मोशन मतलब एनीथिंग विच इज मूविंग इज कॉल्ड मोशन। ठीक है, अब मन ये बात बता मुझे कि अगर मैं लिख रहा हूँ अभी, तो मेरा हाथ और पेन तो मोशन में है, लेकिन ये नोटबुक जिसके ऊपर मैं लिख रहा हूँ, ये मोशन में है, ये मोशन में नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो जो चीज़ मूव कर रही है, एनीथिंग विच इज मूविंग इज इट इज इन मोशन। ठीक है, एनीथिंग विच इज मूविंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो टाइम के अनुसार अपनी जगह को बदल रही है वो मोशन है। ठीक है, मोशन आ गया समझ में। अब मोशन बहुत ज्यादा प्रकार का होता है, जैसे एक तो मैं बोलूँ कि ये जो है गाड़ी, ये जो गाड़ी है, ये यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रही है, बी पे चली गई ये गाड़ी। ठीक है, ए से बी तक चली गई, ये एक गाड़ी का मोशन था। या फिर एक मैं बोलूं कि ये एक गाड़ी है, अच्छा तीन नाइन, तो गाड़ी की सुई यहाँ पे थी और वो आती 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 यहाँ पे आ गई, तो ये गाड़ी की सुई का मोशन है, ये अलग मोशन है। ठीक है, और एक मैं बोलूं कि ये एक पेंडुलम है, पेंडुलम वाली घड़ी जो सिर्फ इतनी इतनी जगह में मोशन करती रहती है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर। ठीक है, तो ये तीनों अलग अलग मोशन है, ये और ये। पहला वाला मोशन है, ये स्ट्रेट लाइन मोशन है, जिसे हम ट्रांजेक्टरी मोशन भी कहते हैं। ठीक है, और ये वन डायमेंशनल मोशन है, सिर्फ एक ही डायमेंशन में होता है, ऐसे सीधा 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 सीधा। ठीक है, दूसरा वाला है सर्कुलर मोशन, जो एक सर्कल में होता है, एक सर्कल में, जैसे कि ये घड़ी घड़ी की सुई वाला एक सर्कुलर मोशन है। और जब हम पत्थर के एक धागे के पत्थर पत्थर बांध के और ऐसे ऐसे उसे घुमाएंगे, तो वो भी एक सर्कुलर मोशन होगा। ठीक है, और सर्कुलर मोशन के क्या एग्जांपल दूं, और सर्कुलर मोशन का एग्जांपल, सर्कुलर मोशन जो अर्थ है वो सन के अराउंड रोटेट कर रही है, वो भी एक सर्कुलर मोशन या फिर रोटेटरी मोशन है। सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन बराबर होता है। इस गाड़ी का, ये गाड़ी तो, जो ये कार है, ये तो लीनियर मोशन कर रही है, ट्रांजेटरी मोशन कर रही है एक लाइन में, लेकिन इसके जो व्हील्स हैं, पहिए हैं, वो सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। ठीक है, और ये होता है पेंडुलम वाला, मतलब एक ही जगह पर, बस ये इतनी जगह पर बार बार आ रही है जा रही है आ रही है जा रही है, इसे क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन, जो बार बार एक जगह में होता है। तो ये स्ट्रेट लाइन वाला जो एक ही लाइन में होता है उसे ट्रांजिटरी, सर्कल में होता है सर्कुलर, और जो एक ही जगह पे बार 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 होता है उसे पीरियोडिक मोशन। और इसका एक और एग्जाम्पल स्प्रिंग भी ले सकते हैं हम, एक स्प्रिंग है, उसे ऐसे हम दबाए फिर छोटे, फिर दबाए फिर छोटे, फिर दबाए फिर छोटे, तो वो भी एक ट्रांजिटरी, इसका क्या नाम है, पीरियोडिक मोशन होगा। ठीक है, मोशन पता चल गया कितने प्रकार, तीन प्रकार का मोशन होता है। अब हम आते हैं स्पीड पे, स्पीड 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 क्या होती है? स्पीड से पहले मैं बताऊं कि आपको डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस वो होता है कि पहले बॉडी मान लो यहाँ पे थी, ए पॉइंट पे, और थोड़ी देर बाद ये बॉडी ऐसे घूमते घूमते बी पॉइंट पे चली गई, ये लड़का बी पॉइंट पे चला गया। ठीक है, तो ये जो इतनी दूरी इसने कवर की है ना, इसे डिस्टेंस बोलेंगे हम। ठीक है, डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ जाने में जो इसने ये दूरी तय की है ना, रास्ता तय किया है, इसकी लंबाई, इसके मेजरमेंट करेंगे तब डिस्टेंस आएगा, वो उसे हम डिस्टेंस कहेंगे। ठीक है, और अब हम निकालें कि, अब देख, इसने ये डिस्टेंस कवर करने में कुछ टाइम भी लिया होगा, कुछ टाइम तो लगा होगा इसे यहाँ से यहाँ तक जाने में। ठीक है, तो वो हो गया हमारा टाइम। अब
दो चीजों का हमें पता चल गया, डिस्टेंस क्या होती है भाई, जो दूरी इसने तय की एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में, और टाइम, जो टाइम इसने लिया एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में। अभी इन दोनों की हेल्प से हम स्पीड पता लगा सकते हैं। स्पीड, स्पीड मतलब होता है कि 1 सेकंड में हम कितनी दूरी चले, उस वो होता है स्पीड, यानी कि डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। 1 सेकंड में हम कितनी दूरी चले वो स्पीड होता है। अभी मैं स्पीड का फॉर्मूला बताता हूँ। स्पीड, स्पीड क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, मतलब कितनी उसने डिस्टेंस कवर की और कितना उसे टाइम लगा, वो होती है स्पीड। ठीक है, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। और इसी फॉर्मूले से हम डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, टाइम भी निकाल सकते हैं। स्पीड तो मैंने निकाल दिया, अब मान लो मुझे निकालना है डिस्टेंस, तो यहाँ था स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम था। टाइम को मैं इधर डिवाइड में है, इसे मैं इधर मल्टीप्लाई में ले जाऊंगा, तो हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आ गया, टाइम इंटू स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया टाइम इंटू स्पीड। अब हम टाइम निकालेंगे, ठीक है, यहीं से निकाल देते हैं टाइम। देखो स्पीड का क्या फॉर्मूला था, स्पीड का हमने निकाल रखा था डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम को, टाइम निकालना है तो जो चीज़ हमें निकालनी होती है ना वो हमेशा ऊपर होती है, ऊपर रखनी पड़ती है हमें। ये तो डिवाइड में है तो इधर ले आएंगे इसे, तो ये हो गया टाइम इंटू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस। लेकिन अभी हमें निकालना तो टाइम है, स्पीड भी इसके साथ आ गया, तो स्पीड को यहाँ से हटा देंगे और इसके नीचे ले आएंगे, जो इधर ये मल्टीप्लाई में है इधर से हटाया और इधर इसको डिवाइड में ले आए, तो हमारा टाइम का फॉर्मूला भी आ गया, जो आ गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो मतलब तीनों फॉर्मूले क्लियर हो गए, तीनों फॉर्मूले क्लियर हो गए। पहला फॉर्मूला जो था स्पीड का, क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला था डिस्टेंस का, जो था स्पीड इंटू टाइम, या फिर टाइम इंटू स्पीड, क्योंकि मल्टीप्लाई तो आगे पीछे चाहिए कितना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरा फॉर्मूला था टाइम का, जो आ गया था डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तीनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तीनों चीज क्लियर। अभी एक एग्जांपल देता हूं मैं, मतलब मैंने बता दिया पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच, बीच की दूरी है 20 मीटर। ठीक है, और एक लड़के को यहां से यहां तक जाने में टाइम लगता है 10 सेकंड, 10 सेकंड टाइम लगता है, तो अभी मुझे स्पीड बताओ। तो हमारे पास डिस्टेंस है, टाइम है, स्पीड हम निकाल देंगे। स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो हम पुट कर देंगे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस यानी 20 मीटर अपॉन टाइम 10 सेकंड, 0 से 0 कैंसिल, तो 2 मीटर, इसका मीटर अपॉन सेकंड, ये हमारा आंसर आ गया। यूनिट लिखना हमेशा जरूरी होता है, 20 मीटर था ना और नीचे सेकंड था, तो ये बात अभी याद करनी है, इंपॉर्टेंट बात है कि यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर अपॉन सेकंड। ठीक है, हो गया। और मैं बता दूं, डिस्टेंस की यूनिट मीटर होती है, टाइम की यूनिट सेकंड होती है, और स्पीड की आ गई मीटर अपॉन सेकंड। क्लियर है। देखो अब मैं ग्राफ बताता हूँ, ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम इसी सेम चीज को। मान लो क्वेश्चन में दे रखा है कि, क्वेश्चन हमें कह रहा है कि डिस्टेंस, जब डिस्टेंस 20 मीटर हो और टाइम टाइम हो 3 सेकंड, तो हमें इसका
ग्राफ बताना है, स्पीड का ग्राफ। तो कैसे करेंगे, डिस्टेंस 20 मीटर, यानी कि 20 मीटर डिस्टेंस कहाँ है, यहाँ पे है, मतलब इस लाइन में आएगा वो पॉइंट। और 3 सेकंड टाइम कहाँ पे है, यहाँ पे। तो ये यहाँ होगी, ये होगी स्पीड, ठीक है, ये होगी उसकी स्पीड इस इंस्टेंट पे। मतलब कि वो क्या कह रहा है कि स्पीड डिस्टेंस जब 20 मीटर है और टाइम है एग्जैक्ट 3 सेकंड, तो उस टाइम पे स्पीड क्या होगी, स्पीड ये होगी, ग्राफ के अकॉर्डिंग स्पीड ये होगी उसकी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ग्राफ के ज़्यादा लेवल के क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। अभी तो छोटी क्लास में तुम ग्राफ, फिर आगे आगे जाओगे तो पूछ लेगा कि अगर यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, यानी कि वेलोसिटी उसकी कॉन्स्टेंट है, तो डाइवर यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, मतलब कि वो सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है। मान ले पहले सेकंड में उसने 10 सेंटीमीटर चला, दूसरे में भी 10, तीसरे में भी 10, चौथे में भी 10, ऐसे करके वो बिल्कुल सेम स्पीड से चल रहा है, तो उसका इसका ग्राफ क्या आएगा, तो उसका ग्राफ ऐसा आएगा, डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस ये टाइम, तो उसका ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन। ऐसे क्वेश्चन आएंगे आगे, लेकिन अभी ये ज़्यादा काम की नहीं है, तो मोशन में बस इतना ही था।